हेलो दोस्तों एस के इलेक्ट्रॉनिक सर आपका दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे हमेशा दोस्तों काफ़ी सारे हमें कमेंट आई थी कि सर जो कार एम्प होते हैं ओरिजिनल वाले जो इस तरह के होते हैं मतलब कंपनी के जो होते हैं जिसमें एक आईसी लगी होती है बड़ी उसमें चार स्पीकर चलते हैं उसका हमें ये नहीं पता होता कि उसमें कार्ड का सिस्टम कहाँ से होता है ऑडियो का सिस्टम कहाँ से होता है आईसी का सिस्टम कहाँ से होता है मतलब उसे चलाने का तरीका क्या है उसमें प्लस के दो तार क्यों होते हैं तो वो चीज़ मैं आज आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूँगा मतलब इसकी पिंस कौन सी कैसे इसमें ये आई लगी है किस काम के लिए ये आईसी किस काम के लिए है ये आईसी किस काम के लिए मतलब ये पत्ते किस काम के लिए लगाए गए हैं और ये ट्रांजिस्टर मतलब जितना भी सिस्टम इसमें वर्क कर रहा है वो किस बेस पे कैसे काम कर रहा है कहाँ से कितनी वोल्टेज आ रही है ये पूरी डिटेल बताऊँगा क्योंकि दोस्तों आपको मैं ऐसी चीज़ सिखा के जाऊँगा इसमें जब आप कभी खोलो तो आपको ये ना चेक करना पड़े कि यहाँ भी करो चेक वहाँ भी करो भाई जिस सेक्शन का फॉल्ट है उसी सेक्शन को छेड़ो मतलब ठीक करो मेरा मानना तो ये है तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वीडियो में आप तक तो लास्ट तक बने रहे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो काम सीखना चाहते हैं जो काम सीखना नहीं चाहते कोई बात नहीं है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो पर आए हैं सबसे पहले इसकी वायरिंग का डायग्राम समझ लेते हैं देखिए यहाँ पे तो फिलहाल इसका कनेक्टर मेरे पास नहीं था इसमें से आउटपुट में वायर निकाले गए हैं कोई बात नहीं सबसे पहले वायरिंग का ही समझना होता है देखिए इसमें टोटल जो वायरिंग का कनेक्शन का डायग्राम है यहाँ है, कनेक्शन लिख रहा है मेन यूनिट आउटपुट में जो तार निकलते हैं सबसे पहले तार रहता है ब्लैक फिर उसके बाद रेड और फिर येल्लो ये तीन हमारे तार बहुत काम के हैं ब्लैक अपना अलग हो जाएगा जो कि माइनस का है यानी कि बैटरी का माइनस है और जो रेड और येलो यानी कि पीला जिसमें फ्यूज़ भी लगा होगा इसको और इसको हमें रेड को आपस में शॉर्ट करना होगा टच करना होगा यानी कि क्योंकि इस पर ए लिखा है ये हमारे पैनल के लिए वोल्टेज देने के लिए होता है और जिस जिसपे ये बैटरी लिखा है ये हमारी आईसी को वोल्टेज देने के लिए होता है दोनों एक जगह नहीं करे गए हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो ए मतलब पैनल को ऑफ कर दिया जाए और सीधा हमारा आई वर्क में रहे तो उसका मैटर अलग है तो ये ए और बैटरी मतलब लाल और पीला एक जगह मिलाया जाता है ठीक है जी उसके बाद में यहाँ पे साफ साफ लिखा है वाइट और वाइट ब्लैक जो एक साथ है मतलब वाइट के साथ जो ब्लैक है ये एक स्पीकर फिर यहाँ दूसरा स्पीकर है ऐसी ग्रीन ग्रीन ब्लैक पर्पल पर्पल ब्लैक और यहाँ पे ग्रे ग्रे, ग्रे ब्लैक ये हो गया अलग अब यहाँ पे देखिए एक स्पीकर यहाँ पे लिखा है आउटपुट ये ये वे हैं दोस्तों जो, जो हमारे इस चीज़ के लिए हैं ये ये यहाँ पे ये जो पिन्स दी गई हैं आर सी सॉकेट जो है ये हमारे यहाँ पे देखिए आउटपुट में है छोटे स्पीकरों के लिए आर सी आर एल आर आर ये छोटे स्पीकर के लिए वाइट रेड वाइट रेड यहाँ पे आउटपुट के चार स्पीकर के लिए छोटे वाले और लास्ट में जो पिंस दी गई होती है वो दोस्तों पिन दी गई एंटीनी की होती है तो ये तो हो गया दोस्तों इसका बैक का फायरिंग डायग्राम ये तो हो गया सबसे पहले इसमें आपको बताता हूँ देखिए ये वाला जो यहाँ पे एस सी आर लगाई है अठहत्तर जीरो पाँच एस सी आर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर आपको दिख रहा होगा देखिए सेवन एट जीरो फ़ाइव सेवन एट जीरो फ़ाइव सेवन एट एम ज़ीरो फ़ाइव लिखा है इस पर ये वाला जो रेगुलेटर है ये काम क्या करते हैं यहाँ से बारह वोल्ट लेता है अठत्तर जीरो पाँच पाँच वोल्ट चेंज करके इस कार्ड को चलाने के लिए अब इसमें कार्ड का सिस्टम कैसे है वो भी चीज़ आपको समझाऊंगा बहुत इजी है आप बिल पे कर रहिए मतलब ये मत सोचिए कि इसमें कैसे है कैसे नहीं इसमें ये जो आईसी लगाई गई है देखिए सबसे पहले इसमें ये आईसी है यहाँ का सिस्टम को मैं बता देता हूँ यहाँ का जो जितना भी ये सिस्टम है ये कार्ड को चलाने के लिए है यहाँ का सिस्टम पे 12 वोल्ट आती है 12 वोल्ट से अपने इस पे जाती है और जब अपनी पाँच पोल्ट आउटपुट लिगड़ के यानी कि इस पे आ जाती है अब ये आईसी किस चीज़ के लिए ये आईसी किस चीज़ के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारा इसमें ये वाली जो आईसी लगी हुई है इसका नंबर मैं आपको बता दूँ तेईस तेरह ये जो तेईस तेरह जो आई है ये क्या होती है दो चैनल सपोज़ कीजिए दो आदमी हैं दो आदमी से ये एक तरह से कह सकते हैं मतलब थोड़ा अटपटल लगेगा दो से चार करने के लिए मतलब इस पर लेफ़्ट और राइट ऑडियो जाती है पिनों पे और ये आउटपुट में दोस्तों जो ये इसको आईसी को चलाने के लिए जो इनपुट जाएगी ऑडियो उसको देती है मतलब हमारी गेन जो है वो कम ना पड़े यानी कि एक तरह से ऑडियो सिस्टम के लिए काम करी रखी है भाई हमारा जो कार्ड होता है नॉर्मली जो कार्ड होता है जैसे ये वाला कार्ड है यहाँ पे देखिए ये ये कार्ड है हमारे पास जो हमारा नॉर्मली कार्ड होता है इससे क्या होता है लेफ्ट राइट और ग्राउंड आउटपुट होता है ग्राउंड तो नॉर्मल है लेफ्ट राइट यानी कि दो चैनल की ऑडियो आउटपुट होती है तो दो चैनल की ऑडियो जो यहाँ से आउटपुट होएगी ना वो इसके पास आएगी इसके बाद जैसे ही आएगी ये चार चैनल में से बांट देगी चार चैनल में जैसे ही बटेगी ये जो हमारी आईसी है ये चार चैनल की है ये आईसी सी चार चैनल की आउटपुट दे देगी जब इसे चार चैनल की इनपुट इस आईसी से मिल जाएगी और ये से दो चैनल की बढ़िया ये जो आई सी ऑडियो इसको हमें दो चैनल की इनपुट यहाँ से मिलती है और ये आउटपुट में दोस्तों इसकी दे देगी और जो इसका आउटपुट है वो चार चैनल पर आराम से निकल जाए यानी कि चार स्पीकर जब बजाते हैं भाई कंपनी का सिस्टम इसीलिए कहा गया कि ये एकदम जेनवन कंपनी से है इसलिए तो दोस्तों इससे वॉल्यूम से सेट करी जाती है लेफ़्ट राइट वगैरह ये इसी चीज़ के लिए होती है ये वाली आईसी सी ये जो फिता है ये इसी चीज़ के लिए है इस आईसी और इस आईसी के लिए ठीक है तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी ऑडियो की आईसी अगर आपने देख ली हमारी आई भी ठीक है और कार्ड का सिस्टम भी ठीक है तो ये आई चेंज कर देना ठीक हो जाएगा इस पर पाँच वोल्ट आती है चलाने के लिए ठीक है उसके बाद में है फिर हमारी ये वाली बड़ी आई सी ये तो साउंड के लिए है इसका नंबर क्या है अभी आपको मैं खोल के ज़रा दिखा देता हूँ इसका नंबर आपको पता लगना चाहिए मैं आपको बताता हूँ मैं अपने मुँह से बताऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा मैं सीधा दोस्तों आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ इसका इसी का नंबर क्या है क्योंकि मेरे कहने से बहुत से यकीन भी नहीं करेंगे शायद नहीं दिख रहा होगा मैं अभी आपको फ्लैश देखिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा कोई बात नहीं मैं इसे खोल देता हूँ अभी यहाँ पे देखना मैं इसको खोल लेता हूँ ये मैंने खोल दी है मैं इसे ऊपर की तरफ को निकाल लेता हूँ ये देखिए दोस्तों सी डी सेवन थ्री एट एट सी जेड ये इसका नंबर है आई का तिहत्तर अठासी सी डी तिहत्तर अठासी जो कि चार चैनल की आईसी है ये हमारी मेन आईसी है जो कि स्पीकरों को चलाने के लिए ठीक है जी अब ये जो इसमें चार पिन मतलब चौकोर वाली आईसी जो लगी है ये है दोस्तों हमारी कार्ड की आईसी कौन से कार्ड जैसे हमारा ये कार्ड है ये डिजिटल कार्ड है डिजिटल कार्ड पे जो है ये वाली आईसी लगी होती है ये वाली ये वाली आईसी सी ये ये आई है ठीक है ना ये ए आईसी है ब्लूटूथ ऑप्स वगैरह फंक्शन को आम कराने के लिए ये वाली आई है अब ये पैनल फ्रंट के लिए क्या है मैं आपको बताता हूँ जैसे हमारा ये वाला कार्ड है नॉर्मली हमारा ये कार्ड है इसकी डिस्प्ले को और ये बटनों को और इसके मतलब जो छोटे छोटे कंपोनेंट है मतलब समान है जैसे कि ये ऑक्स वाला पिन हो गया चिप का पिन हो गया और ये सॉकेट यहाँ पे यू का सॉकेट है ये बस अलग कर दी है यहाँ पे पैनल के थ्रू मतलब इसमें अलग कर दी है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये ये पैनल अलग कर दिया इसमें आईसी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं मतलब एक तरह से ये आईसी तो होगी लेकिन वो पैनल को डिस्प्ले को चलाने के लिए होगी बाकी डायरेक्ट इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसी से ही हमारी कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की या उसी से ही सारा कुछ ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ दोस्तों ये जो हमारा पैनल है ना ये सिर्फ एक तरह से ये है ये और ये और ये बाकी जो प्लेट में आईसी वगैरह लगी हुई है ये वो सिस्टम ये है हमारा ठीक है ना अब आप समझ गए जो इसका कार्ड का सिस्टम है ये आईसी और हमारा ये फ्रंट पैनल है ठीक है और जो हमारा दोस्तों इसमें वॉइस वगैरह के लिए ये आई यूज़ की गई है ठीक है और जो हमारी आउटपुट के लिए यानी कि जे एम्पलीफायर सेक्शन है ये है ठीक है और ये हमारा दोस्तों छोटा वाला सप्लाई सेक्शन होगा जो कि अठत्तर जीरो पाँच यहाँ पे पाँच वोल्ट चलाने के लिए इस आई सी पे हमारी थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट आती है और यहाँ पे कार्ड पे इससे जो बाकी डिस्प्ले वगैरह के लिए चलाने के लिए ये हमारा डिस्प्ले के लिए पत्ता होता है ये हमारा यू एस बी वगैरह के लिए पत्ता होता है यू एस बी का हुआ आई आर सेंसर के लिए हुआ ठीक है बस ये होता है इसमें और कुछ नहीं है ये ये दोस्तों थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के लगाए गए हैं वोल्टेज सही करने के लिए और बाकी कुछ नहीं है ये सप्लाई सेक्शन इधर का इतना इतना एरिया ये सप्लाई सेक्शन का यहाँ पे 12 वोल्ट आती है कैपेसिटर पे यहाँ से जाके 12 वोल्ट इस कोयल से ये कोयल प्लस पॉइंट पे लगती है प्लस ये इतना एक मान सकते हो सप्लाई सेक्शन ये ऑडियो सेक्शन ये अपना एम्पलीफायर सेक्शन और ये अपना कार्ड सेक्शन ठीक है बस ये है इसमें और कुछ नहीं है अगर सबसे पहले आपके पास डैड आता है तो सबसे पहले आपको पीला यानी कि हमें यहाँ पर अठहत्तर जीरो पाँच पे, पे वोल्टेज चेक करनी है पीला और लाल को एक जगह मिला के वोल्टेज अगर आ रही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको आईसी पे वोल्टेज चेक करनी है आईसी पे अगर आ रही है तो दोस्तों समझ जाइए आपके यहाँ आप पैनल में कोई कार्बन वगैरह लग रहा है या पत्थर ख़राब हो चुका है चेंज कर दो हो जाएगा ठीक अगर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रही तो इसको ट्रैक देख लीजिए कोई फट तो नहीं गया या कोई ओपन तो नहीं हो गया बस इससे ज़्यादा इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता अगर शॉर्ट हो गई तो दोस्तों ये वाली आईसी चेंज कर दीजिए अगर आपकी आईसी ठीक है आपने चेक कर ली वेरीफ़ाइड कर ली वो मैंने बता रखा है चेक करने का तरीका इनपुट ऑडियो पे हाथ लगा के सिग्नल दे के देख लेते हैं और ये दोस्तों ये जो आईसी लगी हुई है ये दोस्तों हमारी ऑडियो के लिए यानी कि दो चैनल टू चार चैनल करने के लिए ऑडियो को बस और कुछ नहीं है इसमें ये मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं वह ज़्यादा इनमें फॉल्ट नहीं आता है ज़्यादा जो जो फॉल्ट आया मैंने आपको बता दिया है ठीक है दोस्तों कोई वो तो बहुत ईजी है कोई बटन वटन ना चले वो तो चेंज कर लेती है दुनिया पोर्ट वोर्ट ना चले वो भी सब हो जाता है या कोई कार बन आ जाए तो वो तो हो जाता है ठीक है ना जो रिपेयरिंग का मैंने बता दिया फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें भविष्य में बता देना क्योंकि हम यूट्यूब पर बिल्कुल एक्टिव रहते हैं कोई समस्या बनती है कमेंट करें और आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों में शेयर कर देना आज के लिए इतना ही दोस्तों जय हिंद वंदे मातम दोस्तों आपका दिन सुबह हो आप सभी अच्छे रहें बहुत खुश रहें